दोस्तों, द डार्क नाइट मूवी को नॉलन की डायरेक्शन के लिए नहीं बल्कि जोकर की हैरत अंगेज एक्टिंग निभाने वाले एक्टर हीथ लेजर के लिए भी याद किया जाता है। इस रोल को निभाने के कुछ महीनों बाद ही हीथ की मौत हो गई थी। दोस्तों, हीथ ने जोकर के रोल के लिए अपने आप को लंदन के एक होटल रूम में महीने तक बंद रखा था। इस डार्क और नेगेटिव किरदार के लिए उन्होंने एक डायरी भी बनाई थी। हीथ ने अपने इस कैरेक्टर के लिए खास तैयारी भी की थी और इस दौरान वो इस किरदार में इतना घुस गए थे कि जोकर का किरदार उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग सुबह होती थी लेकिन इसके बावजूद हीथ रात में सो नहीं पाते थे। वो रेस्ट ले सके इसलिए कुछ नींद की मेडिसिन के साथ की और मेडिसिन को यूज़ करने लगे थे। हीथ के इसी मिश्रण में गलती से ओवरडोज के चलते उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, हीथ अपनी डायरी में कई कॉमिक करेक्टर्स की तस्वीरें रखा करते थे। उनके पिता ने हीथ की मौत के बाद इस डायरी को शेयर किया था और इस डायरी के अंत में बाय बाय लिखा हुआ था। दोस्तों, हालांकि ये कहना कि जोकर का किरदार ही उनकी मौत की वजह था सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस करेक्टर का उन पर काफ़ी प्रभाव था। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस करेक्टर की नेगेटिव पावर ने उन्हें इस कदम के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, द डार्क नाइट मूवी का एक डायलॉग है, जहाँ तो आप हीरो के तौर पर मरते हो या फिर इतना जीवन बिता लेते हो कि आपको विलन समझा जाने लगता है। दोस्तों, ओनली 28 ईयर्स में जोकर का किरदार निभाकर ना सिर्फ हीथ ने हीरो के तौर पर विदाई ली है बल्कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हीथ लेजर को अपने इस यादगार किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। दोस्तों, मेरी और वीडियोस के लिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।